तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, तो आप पूरा स्टेप आप देखते रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एकदम सिंपली तरीके से 100 रुपये से भी आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक आपको मैं बताता रहता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि कौन सी करेंसी आपको बाई करनी चाहिए और कौन सी करेंसी बाई नहीं करनी चाहिए, इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ज़रूर से आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। तो आज मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है CoinDCX। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस एप्लीकेशन को जो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले बनाए गए हैं, अमिताभ बच्चन जिनको आप सभी जानते होंगे। एक एप्लीकेशन है कॉइन स्विच कुबेर, उससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वजीरेक्स से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ CoinDCX। और ये आपको प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है CoinDCX। जैसे ही आप ओपन करते हैं, आप माई अकाउंट में सबसे पहले आपको आना पड़ेगा। माई अकाउंट में आके आप यहाँ पे पहले साइन अप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप हो चुका है। तो आप सबसे पहले आपको साइन अप करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डाल के अपना जो है पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके आपको सिंपली साइन अप कर लेना। साइन अप जैसे ही आप कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे देखिए अकाउंट के ऑप्शन में आना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अकाउंट में जाके यहाँ पे आपको KYC अपना अपडेट करना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड आप उसमें डाल देंगे। आधार कार्ड का जो है फ्रंट साइड का और बैक साइड का, उसका पैन कार्ड का फ्रंट साइड का आपको डाल के अपना KYC आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं। और आपको अपनी खुद की सेल्फी भी डालनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप ये चीज़ें कर देते हो तो 5 मिनट के अंदर आपका जो KYC है वो वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट डिटेल में आके अपना बैंक अकाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी आप विड्रॉल वगैरह लेंगे तो आपके इसी बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये चीज़ें आपका हो गई। उसके बाद एक सेटिंग और आपको करना है सिक्योरिटी पे जाके। यहाँ पे आप देखिए ये चेंज विड्रॉ पासवर्ड, आप यहाँ पे जाके एक विड्रॉ पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे कोई विड्रॉ पासवर्ड डाल दीजिए, री इंटर यहाँ पे दोबारा डालिए, और जो आपका लॉगिन पासवर्ड उसको भी आप डाल के यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड मिलता है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपका विड्रॉ पासवर्ड सेट हो जाएगा। ये विड्रॉल पासवर्ड सेट होने के 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले भी आप तो फंड ऐड करके बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने अकाउंट विड्रॉ नहीं ले पाएंगे, या फिर उस फंड को, उस करेंसी को कहीं और आप नहीं भेज पाएंगे। तो आपको ये मस्ट आपको एक सिक्योरिटी पे जाके ये चेंज विड्रॉ पासवर्ड आपको जरूर से कर लेना है। उसके बाद अब मैं आप बताता हूँ कि आपको फंड कैसे इसमें ऐड करना है। अभी के लिए जैसे आप अकाउंट पे जाएंगे, अपने अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए अवेलेबल टू इन्वेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे आपको नीचे ऐड फंड का ऑप्शन मिलता है। ऐड फंड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम आप 100 रुपये डाल के आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, या MobiQuick वैलेट के थ्रू आप जो है कि डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी नेट बैंकिंग ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफ़र, UPI का, पहले UPI काम करता था बट अभी टेक्निकल टेम्प्रोरी है, इसको अनअवेलेबल कर दिया गया है, अभी अवेलेबल नहीं है UPI के थ्रू। अगर नहीं तो फिर आपने UPI ऐड डालिए, फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू आप ये पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है MobiQuick वैलेट से, MobiQuick वैलेट डाउनलोड करके उसमें अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिएगा, अकाउंट आपका बन जाएगा MobiQuick में। यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से वॉलेट पे जाएंगे, MobiQuick ऑलरेडी सेलेक्ट है, फिर उसके बाद मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल दे रहा हूँ, डाल के आपको मोबाइल नंबर में दिखा देता हूँ। सेंड OTP आप यहाँ पे करेंगे, मेरे फ़ोन पे एक OTP गया होगा। MobiQuick की जिस नंबर से आपने अकाउंट बनाया वही मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आपको OTP पूछेगा, तो OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया है। OTP जैसे आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड पूछेगा, कौन से डेबिट कार्ड से आपको, हो सकता है यहाँ पे ऐड न्यू डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिले तो वहाँ पे ऐड न्यू अपना कार्ड, जो डेबिट कार्ड वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा आप। उसके बाद जो है मैंने पहले से ऐड कर रखा है, तो उसके बाद डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे CVV नंबर आप डालते हैं। CVV नंबर जैसे आप 3 डिजिट का होता है आपके डेबिट कार्ड के पीछे होता है 3 डिजिट का, तो डाल के जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपका यहाँ से फंड जो है OTP जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। आप OTP जैसे ही डाल देते हैं, जैसे सबमिट कर देंगे तो जो आपका पेमेंट है वो डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मेरा पेमेंट है वो प्रोसीड, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, पेंडिंग दिखा रहा है। डिपॉजिट मेरा जो है, मेरा 78 रुपये पहले से इसमें डिपॉजिट था, मैंने अभी 100 रुपये और 100 रुपये मैंने और अभी डिपॉजिट किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट किया वो मेरा डिपॉजिट हो चुका है। अभी टोटल बैलेंस जो मेरा वो 178 रुपये, आप यहाँ पे देखिए 178 रुपये हो चुका है। अब जैसे कि अगर आपको इसको बैंक अपने अकाउंट में लेना है तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे अकाउंट पे आते हैं, अपने इस फंड पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ फंड का ऑप्शन आता है। विड्रॉ फंड पे जैसे ही आप जाते हैं,
तो आपका जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे, आप जो अकाउंट नंबर डाले रहेंगे, आपको 100% विड्रॉ करना है। तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपके फ़ोन पे OTP जाएगा और आप अपना जो है ये फंड आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, जो आपका अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है उसी अकाउंट में आपके चला जाएगा। तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ इसको। अब ये हमारा फंड डिपॉजिट हो चुका है। अब मैं क्रिप्टो करेंसी यहाँ से कोई भी बाई कर सकता हूँ। नीचे आप देखिए जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है वो प्राइस है, प्राइस पे आप जाते हैं। अब यहाँ पे ऑल क्वाइन जितने भी क्रिप्टो करेंसी आप देखिए, बिटकॉइन है, यर्न फाइनेंस है, इथेरियम है, मेकर है, बिटकॉइन कैश है, बाइनेंस क्वाइन है, कुसामा है, कंपाउंड है, इस तरह से ये सारी क्रिप्टो करेंसियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद जो रेट चल रहा है, रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिटकॉइन का जो रेट है वो 42,99,000 के आसपास है। यर्न फाइनेंस का जो है 26,52,000 के आसपास है। इथेरियम का जो रेट है वो 2,74,000 रुपये के आसपास है। और यहाँ पे देखिए आप परसेंटेज जो यहाँ पे दिख रहा है उस बिटकॉइन के आगे, 1.8% का इसने प्रॉफिट दिया है। 24 घंटे में 1.8% का बिटकॉइन ने प्रॉफिट दिया है। बाकी आप यहाँ पे कुछ करेंसी आप देख सकते हैं कि जिसने यहाँ पे आप देखिए बिटकॉइन कैश है वो 24 घंटे में 2.31% इसको ये लॉस दिया है। तो यहाँ पे लॉस आपका नहीं होगा। अगर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए मार्केट डाउन होता है तो आपको वेट करना है, और जैसे मार्केट प्लस में आए, आपका प्रॉफिट में जाए, तब आपको उसको सेल कर देना। बाई करने के लिए आपको जैसे कोई भी करेंसी अगर आपको बाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें अभी आपको लगे कि बाई करना है, या फिर जिसमें आप जो आपको पसंद है, या कहीं से भी आपको किसी ने बताया कि इस करेंसी में पैसा लगा देना है तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। मैं अभी आपको TRX बाई करके दिखा रहा हूँ, यानी ट्रोन। तो यहाँ से मैं ट्रोन पे क्लिक करता हूँ, ट्रोन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, या फिर TRX से लिख दूंगा तो भी सेम करेंसी आएगी। तो यहाँ पे मैं TRX मैंने लिखा और यहाँ पे ट्रोन आ गया। ट्रोन TRX एक ही, वो शॉर्ट फॉर्म TRX है, बाकी करेंसी का नाम ट्रोन है। जिस तरह बिटकॉइन का नाम BTC है शॉर्ट फॉर्म में, उसी तरह से ट्रोन का नाम शॉर्ट फॉर्म में TRX है। तो यहाँ पे मैंने TRX सर्च कर लिया और यहाँ पे देखिए आ चुका है TRX। अब देखिए यहाँ पे बाई करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे बाई और सेल मैं दोनों कर सकता हूँ। सेल तभी आप कर पाएंगे जब आपने पहले बाई किया होगा। तो बाई करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे बाई पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप जो है कितने रुपये से बाई करते हैं। आप देखिए देखिए नीचे मेरे अकाउंट में जो है INR बैलेंस 178 रुपये दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे 50 रुपये की बाइंग मैं ट्राई करता हूँ, 50 रुपये की बाई कर लूँ। तो 50 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया, 50 रुपये डाल के बाई मैंने किया, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। तो ये तुरंत का तुरंत मेरा जो है बाई हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए तुरंत बाई हो चुका है। अब आपका एक कॉइन दिखेगा कहाँ, तो यहाँ पे देखिए माई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। माई इन्वेस्टमेंट में जैसे ही आप आते हैं तो आपका यहाँ जो ट्रोन है और टीथर में मैंने अभी कुछ मेरा 0.0126 रुपये पड़ा हुआ है, और ट्रोन यहाँ पे मेरा ये बाई हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये मेरा ट्रोन बाई हो चुका है। अभी मेरे पास 9.07 TRX है, और रुपए में वैल्यू देखेंगे तो 71 रुपये 23 पैसे का अभी ट्रोन मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आप इस ट्रोन को सेंड कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। ट्रोन आप अपने ट्रोन को किसी को भेज देंगे तो ट्रोन उनके पास पहुंच जाएगा। उनका डेस्टिनेशन एड्रेस है यहाँ पे, उनसे मांग के किसी को जिसके भी अकाउंट भेजना है उनका TRX का जो एड्रेस होगा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो अमाउंट डाल देंगे, और यहाँ पे फीस आपका एक TRX फीस कटेगा, यहाँ पे आप प्रोसीड करके भेज सकते हैं। अब यहाँ पे रिसीव TRX है, रिसीव TRX की ऑप्शन पे आप जाते हैं, आपका ये कोड मिल जाएगा, यानी आपका जो वैलिड एड्रेस है इसको कॉपी करके आप किसी को भेज देते हैं अपना एड्रेस। तो उसी एड्रेस का यूज करके कोई भी आपके आपको TRX इस एड्रेस पे भेज देगा। तो आपका जो TRX टोटल डिपॉजिट यहाँ पे 9.07 TRX दिखा रहा है, तो आपका टोटल TRX यहाँ पे रिसीव हो जाएगा आपके अकाउंट में। अब मैंने आपको TRX बाई करना तो बता दिया, अब आपको TRX सेल करना आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ट्रोन मेरा जो 71 रुपये 10 पैसे अभी दिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए रेट बढ़ता है तो हो सकता है 75 हो जाए, या फिर हो सकता है 100 रुपये हो जाए। जब इसको मुझे अब सेल करना है, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये दिखाने लगे, यानी प्रॉफिट मेरा मेरा प्रॉफिट में चला जाए, अभी 71 रुपये 10 पैसे दिखा रहा है, तो इसको मैं सेल कैसे करूँगा। सेल पे यहाँ करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से प्राइस पे आना है। प्राइस पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करना है आपको TRX, क्योंकि आपको TRX सर्च सेल TRX आपको सेल करना है। तो TRX यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे TRX पे क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे बाई ना करके सेल के ऑप्शन पे आपको जाना है। सेल के ऑप्शन पे जाते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए TRX बैलेंस आपको दिखेगा कितना TRX आपके पास पड़ा हुआ है। मेरे पास अभी TRX 9.07 TRX है, तो पूरा का पूरा मैं बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 9.07 TRX मैंने लिख दिया। अब मुझे 70 रुपये 89 पैसे मुझे मिलने वाले हैं। अब मैं इसको सेल करता हूँ, यहाँ पे मैं स्वाइप करता हूँ, ये मेरा पूरा 71 रुपये का 70 रुपये 89 पैसे दिखा रहा था, लेकिन अभी 71 रुपये मुझे रिसीव हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेट वहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो तुरंत का तुरंत मेरे पास मतलब 11 पैसे एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि तुरंत रेट जैसे ही मैंने बेचना चाहा तुरंत रेट उस टाइम इंक्रीज हो गया। तो मेरे यहाँ पे TRX सेल हो चुका है। अब माई इन्वेस्टमेंट में आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए TRX में मेरे ट्रोन में ये खत्म हो गया। ट्रोन मतलब यहाँ पे अब 0.0030 रुपया भी बचा हुआ है, क्योंकि सारा का सारा सेल हो गया, थोड़ा सा रह जाता है वो। तो यहाँ पे मेरा ये सेल हो चुका है। अब मेरा जो मैंने सेल किया टोटल बैलेंस, अब यहाँ माई अकाउंट में आते हैं, आप अकाउंट के ऑप्शन पे आते हैं, तो आपका टोटल बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, दिखने लगेगा। अब इसको आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी रुपया दिखेगा अकाउंट में आने के बाद अवेलेबल टू इन्वेस्ट,
यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको इतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर ट्रोन में पड़ा रहेगा तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको सेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको जाके यहाँ पे विड्रॉ फंड आप कर देते हैं। विड्रॉ फंड करने के बाद यहाँ से देखिए अभी 199 करंट बैलेंस दिखा रहा, तो यहाँ पे मैं जितना भी डालना चाहूँ जैसे 100% कर देता हूँ, तो यहाँ पे विड्रॉ, लेकिन यहाँ पे दिया है ऑर्डर अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 500, यानी 500 रुपये के ऊपर ही आप विड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि 500 के नीचे अभी है 199 रुपये, तो मैं अभी इसको अकाउंट में नहीं ले पाऊंगा। इसके लिए मुझे अभी जो है 500 ऊपर रहेगा तो मैं यहाँ से विड्रॉ अपने अकाउंट में ले पाऊंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैंने यहाँ पे आपको जो है कि कैसे आपको अकाउंट बनाना है, बाई और सेल कैसे करना है, अपने अकाउंट विड्रॉ कैसे लेना, सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ऐसे इस तरह का फंडा नहीं कि आप नहीं समझ पाए, बहुत ही सिंपल है ट्रेडिंग करना। अगर आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा पेशेंस लेके इस क्रिप्टो करेंसी में आते हैं तो आप कभी लॉस नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपकी जो वैल्यू है वो डाउन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आप जो है कि अगर वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट ही लेके जाने वाले हैं इस इंडस्ट्री से। तो इस तरह से मैं आपको नॉलेजेबल फुल वीडियो बना के आपको चीज़ें समझाता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेरा फॉलो करके रखिए। जो भी प्रॉफिटेबल चीज़ें होती हैं मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पर बने रहें, मैं वहाँ आपको जो है बताता हूँ कि आपको कौन सी करेंसी बाई करनी चाहिए, कौन सा प्रॉफिट आपको देने वाला है। तो ज़रूर से आप जो है कि फॉलो करके रखें हर जगह सोशल मीडिया पर। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।